सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की एक ऑल न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो न्यू के बारे में, जो कि अब फाइनली लॉन्च हो चुकी है और दिखने में एक्चुअली टीओ की तरह लगती है। तो जानेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या इसका प्राइस है और कितनी सिमिलर प्रीवियस टीओ के मुकाबले है और कौन से इंजन वेरियंट के साथ आती है और क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। दोस्तों, इस कार को कवर करने के लिए हम लोग आ रहे हैं देहरादून के महिंद्रा शोरूम में। सो अगर आपको बोलेरो न्यू लेनी है, फिर आपको पुरानी बोलेरो कंसिडर करनी है या फिर आपको महिंद्रा की कोई भी कार लेनी है, तो आप यारे डीलरशिप पर कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रखा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस कार की म्यूजिक क्वालिटी कैसे होने वाली है, फिर किसी और कार की म्यूजिक क्वालिटी कैसी रहेगी, सो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर से फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्क्रीन में भी आ रहा होगा। सो मेक श्योर हमें जरूर से फॉलो करें। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हर बार की तरह गाड़ी की की से हम शुरुआत करते हैं। तो ये रही गाड़ी की, वैसे रिमोट की मिलती है सबको और महिंद्रा की गाड़ी मिलती है। यहाँ पर आपको फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कोई भी स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस कार में प्रोवाइड नहीं होता। बाकी यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा और एक सर्च बटन है, तो अगर आप इसे प्रेस करेंगे गाड़ी के जो साइरन है वो बजने लग जाते हैं। कार को एक बार अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने पे इसके जो DRL है वो ब्लिंक करने लग जाते हैं, उसके बाद अपने आप बंद जाएंगे। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगी गाड़ी अनलॉक हो चुकी है, कोई सायरन की आवाज़ नहीं आती है। अब इस बोलेरो नियो में तीन मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, एक N4, N8 और N10। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये N10 मॉडल है, टॉप वेरियंट है और ये सिर्फ गाड़ी आपको डीजल में देखनी है, रेल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। अब अगर मैं इस गाड़ी की यहाँ पे ओवरऑल लुक्स की बात करता हूँ, तो हाँ, गाड़ी दिखने में काफ़ी सिमिलर जो पहले जो TUV आती थी उससे दिखने में मैच होती, क्योंकि हाँ ये उसी के ऊपर बेस है, इससे जिस वजह से गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी हद तक TUV जितना देखने को मिलता है। अगर मैं इस कार के प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो ये यारा जो N10 मॉडल है, इस मॉडल का आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 10 लाख रुपीज़ और ऑन द रोड ये गाड़ी आपको अप्रॉक्स 12 लाख रुपये तक पड़ जाती है। और जो कलर आप देख रहे हैं ये इसका सिल्वर कलर है। टोटल इस कार में आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, ड्यूल टोन इफेक्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता। बाकी उधर जो वाला जो मॉडल आप देख रहे हैं वो भी N10 मॉडल है और उसमें आप जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो इसका बीच कलर है। टोटल इस कार में आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर गाड़ी के यहाँ पे हम फ्रंट पोर्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा। इसकी ग्रिल का डिज़ाइन है, बम्पर का डिज़ाइन है, हेडलैम्प्स है वो पूरे चेंज हो रखे हैं, उनका डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज है। यहाँ पे भी आपको थोड़े स्पोर्टी टाइप के स्टैटिक बेंडिंग लैंप मिलते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको DRL मिल जाएंगे, कॉर्निंग फंक्शन के साथ ये आते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, नीचे फॉग लैंप की प्लेसमेंट हो गई और ग्रिल में आपको थोड़ा क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे मिल जाती है। फ्रंट में कोई भी आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे और ये इसकी फ्रंट स्किड प्लेट हो गई, महिंद्रा का लोगो हो गया। कोई भी ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। तो जो फ्रंट लुक है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और जो रूफ एंटीना है वो भी आपको फ्रंट की तरफ को मिलता है, पीछे की तरफ को प्रोवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं इस नियो के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल एमहॉक इंजन, जो जनरेट करता है 100 BHP और 260 Nm ऑफ टॉर्क। और इसमें आपको 5-स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स यहाँ इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड नहीं होता है। और कंपनी इस कार पे 18 का माइलेज क्लेम करती है। अगर मैं पहली TUV के मुकाबले कंपेयर करूँ, तो हाँ इंजन का जो आउटपुट है BHP है वो उतना, यहाँ टॉर्क आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। पहले 240 का टॉर्क आपको मिलता था, अब यहाँ पर आपको 260 का टॉर्क मिलता है। तो अच्छा पावर ही जनरेट करती है, पहले के मुकाबले इंजन काफ़ी अच्छा हो गया है, अच्छी पावर ही जनरेट करता है। पीछे आपको प्रॉपर इंसुलेशन डैम्पिंग दोनों ही मिलती है। और ये इसका जो देख रहे हैं ये इसकी टर्बो है, ये इसकी इंजन की प्लेसमेंट है। ऊपर देखेंगे तो हुड में भी आपको इन प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, कोई भी हाइड्रोलिक स्टड यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होता है, मैनुअली आपको इस तरह से इसे इंगेज करना पड़ेगा। और इसमें हर महिंद्रा की और गाड़ी की तरह इसमें भी आपको वही फीचर मिलता है कि जब भी आप इसका बोनट ओपन करेंगे तो इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो अपने आप ऑन होएंगे। तो गाड़ी का जो फ्रंट पोर्शन है और जो इंजन स्पेक है वो हमने जान लिया है। अब बात करते हैं जरा इस कार के हम साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो इसके शेप में है। अगर प्रीवियस मॉडल को कंपेयर करेंगे तो ऊपर का जो 11 पोर्शन था बिल्कुल स्ट्रेट आता था, यहाँ पे जो पोर्शन है अगर आप गौर करेंगे फ्रंट से थोड़ा सा कर्वी टाइप का हो गया है। इससे क्या है, तो गाड़ी के जो एरोडायनेमिक्स है पहले के मुकाबले इंप्रूव हो गए हैं, वो बॉक्सी जो डिज़ाइन था वो नहीं मिलता आपको। तो थोड़ा लुक में यहाँ पर आपको ये चीज़ में डिफरेंस मिलेगा।
हाँ, और जो एलॉय का साइज़ है वो अभी भी 15 इंचेस ही रखा गया है। हाँ, उसके डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया लेकिन जो शेप है पूरा वही है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि टायर साइज़ को देख के लगता नहीं कि इसमें आपको 15 इंच का एलॉय मिलता है। अगर आप जैसे मैं दूसरी गाड़ी की बात करूँ, एक्सेल 6 की बात मैं करता हूँ, तो उसमें टायर साइज़ काफ़ी छोटा लगता है गाड़ी के शेप के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि गौर करेंगे इसकी जो व्हील आर्चरिंग है वो थोड़ी छोटी है और जो टायर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो टायर पहली बारी में देखने में काफ़ी छोटा नहीं लगता। अगर मैं एलॉय की बात करूं तो इसमें आपको एलॉय 15 इंच का मिलता है। टायर की प्रोफाइलिंग हम यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, 215/75 R15 की इसमें आपको प्रोफाइलिंग मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। और साइड पोर्शन में एक चीज़ और एड ऑन करिए, अगर आप साइड पोर्शन में ये देखेंगे जो ब्लैक कलर का स्ट्रैप लगा रखा है, ये चीज़ इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। बाकी जो गाड़ी का वैसा जो लुक है वो आपको ऑलमोस्ट वैसा ही मिलेगा। बाकी जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM में नहीं मिलते, वो आपको यहाँ पे बॉडी पैनल में मिलेगा। और जो ORVM है इसके मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आपको इस तरह से मैन्युअली करना पड़ेगा। कोई ऑटो फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होता है। और गौर करेंगे विंडो का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो विजिबिलिटी यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको दिखाता रूफ एंटीना आपको फ्रंट की तरफ को मिलेगा, बाकी ऊपर आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको इस गाड़ी में 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। जो फ्यूल टैंक का लीवर है वो आपको को ड्राइवर साइड की तरफ मिलता है, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा ट्रिप आप इस कार से मार सकते हैं। तो जो साइड प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार के हम बैक पोर्शन के बारे में। सो एज यू कैन सी पीछे का जो लुक है वो भी ऑलमोस्ट TUV जो पहले आता था वर्जन उसी के जैसे दिखता है, कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं मिलता। फर्क बस इतना मिलेगा आपको कि यहाँ पे आपको बुलेरो न्यू लिखा हुआ मिलता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बॉडी कलर स्पॉइलर मिल जाएगा, छोटा सा हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। महिंद्रा की हर गाड़ी की तरह यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिलेगा लिव यंग लिव फ्री का, और यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाएगा, वाटर का नोजल उसी के पीछे दे रखा है, स्पेयर व्हील भी पीछे आपको इस तरह से मिलता है, उसमें थोड़ा मॉडर्न टाइप में व्हील कैप आपको मिल जाता है जिसमें महिंद्रा का लोगो और बुलेरो लिखा हुआ मिलेगा। नीचे बम्पर में देखेंगे तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं गाइडेंस के साथ। कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, पर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके उसे इंस्टॉल करवा सकते हैं या फिर एक्सेसरीज में आई थिंक उसे इंक्लूड करवा सकते हैं। बाकी ये फुट स्टेप है ताकि काफ़ी ईजिली आप अंदर चढ़ सकें गाड़ी के। और पीछे का लुक देखें एक बार तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और इस तरफ को यहाँ पर आपको N10 की बैजिंग मिल जाएगी। अब पीछे थर्ड रो सीट की बात करें तो इस तरह से डोर को आप ओपन करेंगे, तो थर्ड रो की बात करूं तो देख के साफ पता चलता है कि यहाँ पे अडल्ट को कोई भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। छोटे बच्चे अगर पीछे बैठेंगे तो वो ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। जैसे मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ इस तरह से, तो नाउ यू कैन सी मैं पीछे बैठ चुका हूँ एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। मेरा अंदर साइड सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, बैक सपोर्ट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है और इधर की जो सीट है सेकंड रो की जो सीट है वो मेरे शोल्डर में टच हो रही है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं बैठ रखा हूँ। अगर पीछे कोई अडल्ट बैठता है तो अगर सिंगल ही बैठेगा तो ही थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, क्योंकि अंदर सपोर्ट अच्छा नहीं है, पीछे बैक सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता, कोई भी हेडरेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो सपोर्ट अच्छा नहीं मिलने वाला, तो बच्चे ही पीछे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। हाँ, अगर आपको सामान रखना है तो इन सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तब यहाँ पे आपको अराउंड 300-350 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी, जो कि ठीक है, छोटा मोटा लगेज आप काफ़ी सारा यहाँ पे कैरी कर लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे टूल किट हो गए, फर्स्ट एड हो गए, जैक हो गए, सब यहीं पे आपको रखा हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे यहाँ पे पीछे की थर्ड रो के लिए आपको एक वेंटिलेशन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ से विंडो को इस तरह से ओपन करूँ तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एक वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा ताकि गाड़ी के अंदर भी थोड़ी सी हवा आ जाए, ये वाला पीछे के मिरर में आपको मिल जाता है। तो इस नई बुलेरो न्यू का जो एक्सटीरियर है वो हमने देख लिया है, दिखने में कैसी लगती है, क्या क्या चीज़ ऑफर कर रही है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ को, देखते हैं इंटीरियर में कोई चेंजेस आपको मिलता है और कौन कौन से फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। तो दोस्तों हम इस नियो के इंटीरियर में आ चुके हैं, तो दिखाओ आपको ड्राइवर साइड से डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चेंजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रीवियस जो गाड़ी थी जो 300 थी उसके इंटीरियर के मुकाबले अगर मैं इसे देखूँ तो इंटीरियर में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते, दिखने में ऑलमोस्ट पूरा वैसे ही है। हल्का फुल्का आपको डिफरेंस लग सकता है लेकिन मेरे हिसाब से पूरा आपको वही मिलेगा। स्टेयरिंग की यहाँ पर बात करें तो स्टेयरिंग का साइज़ अच्छा है, 4-spoke स्टेयरिंग व्हील इसमें आपको मिलेगा, माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, कोई भी सॉफ्ट टच इसमें आपको नहीं मिलता, मतलब जो लेदर की जो स्टिचिंग होती है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होती है। बीच में महिंद्रा का लोगो मिलेगा, इधर के जो कंट्रोल है इससे आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिलता है, मतलब सेट और रीसेट आप यहाँ से करेंगे। भाई कार को एक बार ऑन करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप गौर करेंगे तो
बुलेरो न्यू लिखा हुआ आएगा। अगर आप गौर करेंगे जो इसका स्पीडोमीटर है वो दिखने में से थार का, अगर आपने थार देख रखी है तो उसका स्पीडोमीटर भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। तो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस तरह से यहाँ पे महिंद्रा पूरा लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे आपको दो ट्रिप मिल जाते हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी। बाकी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाती है, गाड़ी में फ्यूल कितना है, गाड़ी आपको कितनी इकोनॉमी दे रही है, कितना गाड़ी में आपका फ्यूल है, ऑयल टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेट करना है तो यहाँ पे आप इसे बटन दबाएंगे तो इससे आपको ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो, सेटिंग्स हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको यहीं पर शो हो जाती हैं। यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल मिल जाएंगे इस तरफ को, और यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होता है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हाई टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखें तो ये इसकी टच स्क्रीन है, सेम ऐसी टच स्क्रीन जैसे आपको और महिंद्रा की गाड़ी मिल जाती है। अगर आप 300 को चेक करेंगे, स्कॉर्पियो को चेक करेंगे, उनमें भी आपको ऐसी टच स्क्रीन मिलती है और सेम वैसा ही फंक्शन वर्क करती है। हाँ, यहाँ पे आपको जैसे मैं आपको बता रहा था रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, लेकिन सेंसर्स आपको प्रोवाइड होते हैं। अगर मैं रिवर्स गियर लाऊंगा तो इस तरह से यहाँ पर आपको गाइडेंस शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के किस तरफ से कितना पास है, तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑडियो सेटअप मिलता है। तो अगर आपको जानना है इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है, फिर किसी और गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है, तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। अगर मैं इसको जो बुलेरो आती है उससे कंपेयर करता हूँ तो उसकी जो इंटीरियर की जो क्वालिटी है, प्लास्टिक की जो क्वालिटी है और जो फीचर्स मिलते हैं उसके मुकाबले आपको कहीं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होती है। जैसे अगर आप बुलेरो का टॉप मॉडल लेंगे वो भी आपको 10-11 लाख रुपये तक पड़ जाएगा। इसका भी आपको जो टॉप मॉडल है अप्रॉक्स 11-12 लाख रुपये तक पड़ जाता है। तो लेकिन आपको यहाँ पर फीचर्स भी उसके मुकाबले ज़्यादा मिल जाते हैं। कैबिन स्पेस आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी, फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। क्योंकि अगर आप बुलेरो में देखेंगे जो जो फिट फिनिशिंग है वो आपको नहीं मिलती अच्छी, वो आप सभी को पता है। और दिखने में भी इंटीरियर इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत चीज़ें मिसिंग है उसमें। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं, कैबिन स्पेस भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएगी और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी मिलती है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी मदद से आप जो ORVM को है उसके मिरर को एडजस्ट करेंगे, और लाइट की बीम एडजस्ट करने के लिए बटन आपको यहाँ दे रखा है, इको मोड का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, डिफॉगर का बटन ये है, और यहाँ पे आपको ESS का बटन मिलता है। बाकी आपको कोई भी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, AC आपको यहाँ पे मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, इस तरह से USB का पोर्ट मिल जाएगा और ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो गियर लीवर है इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर मिलेगा, एक रिवर्स मिल जाता है, और इसकी जो रीच है वो भी अच्छी है, तो काफ़ी ईजिली यहाँ पर आप शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ी स्पेसिंग है तो कॉइन है, कोई छोटी मोटी चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। पावर विंडो के बटन भी आपको यहीं पर मिलेंगे सेंट्रल कंसोल में ही। इसका हैंड ब्रेक हो गया, और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और एक बड़ी वाटर बॉटल रखने के लिए स्पेसिंग मिल जाती है। और दोनों ही सीट में आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा, जैसे आपको स्कॉर्पियो और दूसरी गाड़ी में चीज़ें मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पर है, तो अपना फ़ोन या कोई छोटी मोटी या फिर जो भगवान लोग लगाते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसका IRVM हो गया। ऊपर देखेंगे तो ड्राइवर साइड आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता, बस एक स्ट्रैप मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड आपको एक मिरर मिल जाता है, और देखेंगे मिरर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपना फेस देख सकते हैं। बीच में आपको लाइट मिल जाएगी, इस तरह से लाइट आपको हेलोजन में मिलती है, इस तरह से इन चीज़ों को आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको और महिंद्रा की गाड़ियों में ऑप्शन मिलता है। बाकी ऊपर आपको फिक्स ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे। और सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो इसमें आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, और सीट एक्चुअली कंफर्टेबल काफ़ी है। बैक सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, हेड सपोर्ट मेरा अच्छा है। हेडरूम स्पेस की बात करूं तो वो भी मुझे अच्छा मिल जा रहा है, और जो कैबिन स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे अगर आप स्कॉर्पियो में बैठते हैं तो उसके डोर बहुत आपसे क्लोज हो जाते हैं, बहुत चिपके चिपके आपके शोल्डर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल होकर यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो इतनी फ्रंट में बैठ के तुझे कैसा लग रहा है? फ्रंट में बैठ के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। एंड सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि इसकी जो अंदर की स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप सेंटर कंसोल से कि बहुत ज़्यादा चिपक के बैठ रही हैं बगल में। और अगर मैं अपनी सीटिंग कम्फर्ट की बात करता हूँ तो इसमें जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हाँ, बैक सपोर्ट में डिसेंट कहूँगा, क्योंकि इसके बैक सपोर्ट में हमें पूरा एक बकेट टाइप फील नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो इसके हेडरूम में जो उन्होंने बड़ा सा हेडरेस्ट यूज़ कर रखा है उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, और यहाँ पे स्पेस में मुझे काफ़ी अमेजिंग मिल जा रही है। तो ओवरऑल जो सीटिंग कम्फर्ट है काफ़ी अच्छा बन रहा है, ऐसे कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही है। फैब्रिक पॉलिस्ट्री भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड अगर मैं और भी फीचर्स की बात करूँ इस कार के बारे में, तो सबसे अच्छा जो मुझे बोलेरो न्यू में लगा वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन का बटन है, अगर आप इसमें जाएंगे
इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, अलर्ट्स मिल जाते हैं इसमें आपको, और यहाँ पे जो DRL का ऑप्शन है ये काफ़ी अमेजिंग है। जैसे भी हमारी गाड़ी सिर्फ बैटरी मोड में है लेकिन इसके DRL ऑन अगर हम चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। और यहाँ पे ई मैनुअल भी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि जैसे मुझे इंफोटेनमेंट कैसे चलाना है, रिवर्स पार्किंग सिस्टम कैसे काम करेगा, तो आप उसमें जाकर के पूरी वीडियो आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ से सारी की सारी चीज़ें हमें सीख सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी कि जो एडल्ट्स लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, तो वो यहाँ से आके इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बोलेरो न्यू मुझे बोलेरो से काफ़ी अच्छा अपग्रेड लगा है उन लोगों के लिए जिनको ये गाड़ी फैमिली वाइज पर्पज़ के लिए चाहिए, बाकी जिनको टैक्सी पर्पज़ के लिए चाहिए वो गाड़ी बोलेरो वैसे ही ले सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी गाड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी अंदर से। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, ग्लव बॉक्स ही मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो जो ग्लव बॉक्स का साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं, मतलब जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी वाइड है, और कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता है लेकिन काफ़ी वाइड है, तो लंबा सामान आप काफ़ी इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, बाकी इसमें आपको ABS और EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट नहीं मिलता आपको, लेकिन एटलीस्ट देखा जाता है बुलेरो के मुकाबले आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। चाइल्ड सेफ्टी हो गई, स्पीड सेंसिंग डोर हो गई, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल रही है, और मेरे हिसाब से बिल्डअप क्वालिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो जो फ्रंट पोर्शन था वो हमने देख लिया कि क्या चीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है, अब हम बैक पोर्शन में चलते हैं, देखते हैं वहाँ का सीटिंग कंफर्ट हमें कैसा मिलता है। सो पीछे की सीट में आ चुके हैं, अगर यहाँ पे मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ और लेगरूम स्पेस की बात करूँ, पहले अगर आपको लेगरूम स्पेस दिखाऊँ तो लेगरूम स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये जो ड्राइवर सीट है मेरी ड्राइविंग पोर्शन के हिसाब से सेट हो रखी है और हल्की सी कर्व टाइप की सीट है, तो लेगरूम स्पेस मुझे अच्छा मिल रहा है। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे पैर भी लंबे हैं, तो तब भी आप देख सकते हैं मुझे अच्छा लेगरूम स्पेस मिल रहा है, तो मैं थोड़ा आराम से पीछे टिल्ट होकर बैठ सकता हूँ, तब जाके मेरे पैर थोड़े से टच होंगे, तो जिनकी हाइट 6 फीट से कम है उन्हें अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा। अंदर थाई सपोर्ट अच्छा है क्योंकि देखेंगे ये जो बेंच सीट यहाँ पे आपको मिल रही है, इनकी जो विड्थ है, लंबाई है और जो विड्थ है, सब चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, और ये थोड़े सॉफ्ट भी हैं तो अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा। हाँ, बैक सपोर्ट को मैं डिसेंट कहूँगा क्योंकि जो सीट्स का एंगल है और जो इसकी लंबाई है वो उतनी खास नहीं है, तो बैक सपोर्ट मैं डिसेंट सा ही कहूँगा। सीटी वाइज के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टूर मारते तो उतना कुछ खास मज़ा नहीं आएगा आपको। हाँ, बीच में आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड होता है, इसमें कोई भी कप होल्डर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, और 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं ताकि आपको एक हेड सपोर्ट वो अच्छा मिल जाए, और हेडरूम स्पेस यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है। तो लंबे लोगों के हिसाब से भी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, जो कैबिन की स्पेस है वो आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन मिलता है, तो अपनी हाइट के अनुसार सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो लंबे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस गाड़ी में। हाँ, पीछे बैठ के मुझे एक चीज़ की दिक्कत ये लगी कि जैसे डोर में आपको वाटर बॉटल होल्डर तो मिल जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देख सकते हैं वाटर बॉटल होल्डर तो आपको मिल रहा है, लेकिन जब हम डोर को क्लोज करते हैं इस तरह से तो बिल्कुल आपकी बेंच पे चिपक जाता है, तो वाटर बॉटल रखने के लिए यहाँ पे कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं मिलता, बहुत दिक्कत आएगी वाटर बॉटल निकालने में और डालने में, या कोई भी और आप सामान यहाँ पे रखते हैं तो उसके लिए आपको दरवाजे को खोल के वाटर बॉटल को या कोई भी स्टफ आप यहाँ पे कैरी करते हैं तभी निकालना पड़ेगा, बिना उसके काफ़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सीटिंग वाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपको कोई भी AC वेंट नहीं मिलता, नहीं आपको कोई चार्जिंग सॉकेट मिलता है, मेरे हिसाब से AC वेंट भी अगर मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी पीछे भी आपको फिक्स ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और लाइट आपको यहाँ पीछे की तरफ को मिलेगी, सेंटर में कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। तो पीछे बैठ के तो मुझे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, एक ही तो चीज़ों की दिक्कत है, वैसे मुझे कोई और दिक्कतें नहीं लगी। वेहान, तुझे पीछे बैठ के कैसा लग रहा है? मुझे पीछे बैठ के पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीट कुशनिंग की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और बैक रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर बीच में यहाँ पे सेंट्रल में अगर यहाँ पे हेडरेस्ट दिया जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता, कि बीच में जो बंदा बैठेगा उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टूर में। बाकी एक और चीज़ है जो यहाँ पे विंडोज़ दे रखी है, उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल देखा है फैमिली के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, 7 सीटर एक गाड़ी है, तो फैमिली के हिसाब से अच्छा है, फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। बुलेरो से अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी मॉडर्न है, अच्छे फीचर्स हैं और कम्फर्ट आपको अच्छा मिल जाता है। तो बेसिकली देखा जाए अगर आप बुलेरो लेते हैं तो बुलेरो वही ले जो टैक्सी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं या फिर मॉडिफिकेशन के हिसाब से गाड़ी को लेते हैं। अगर आप फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं तो आप ये वाले वर्जन में आएँ, आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा, साथ साथ फीचर भी अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा रिलायबल गाड़ी मुझे ये लगी है एज़ कम्पेयर टू बुलेरो। बाकी पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमने आपको इस कार के इंटीरियर के एक्सटीरियर के इंजन स्पेक आपको हर एक चीज़ से समझा दिया है, एंड अब बात करते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हमारे हिसाब से आपको गाड़ी जरूर से लेनी चाहिए क्योंकि जो आपको ये जिस प्राइसिंग में आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करा रही है, जैसे आपको 7 सीटर दे रही है, आपको अच्छे खासे स्पेक्स दे रही है, एंड इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सबसे मेन चीज़ ये आपको रियल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ मिलती है, तो मेरे हिसाब से आपको गाड़ी में जरूर जाना चाहिए, काफ़ी अमेजिंग ये कार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और नए आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दो। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।